सबको नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल राजेश गुरुजी। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अतिथि शिक्षकों के स्कोर कार्ड के 25 अंक खत्म हो चुके हैं, उनको नहीं मिल रहे हैं। जैसा कि 2018-19 में 70 दिन से ज्यादा काम करने वाले अतिथि शिक्षकों के लिए मिले थे 25 अंक और लोक शिक्षण संचालनालय ने उनको हटा लिए। अब क्या परिवर्तन होगा स्कोर कार्ड में? क्या हर सत्र के अंक मिलेंगे? क्या 10 अंक मिलेंगे एक सत्र के? और शिक्षक पात्रता परीक्षा वाले अब मांग करेंगे तो उनके लिए भी अंक दिए जाएंगे? ये तो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि अब इसके बाद में अभी लगातार अतिथि शिक्षकों ने ज्ञापन दिए और ज्ञापन देने के बाद तमाम मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का कहना था कि सर, मेरे स्कोर कार्ड में 25 अंक नहीं है, मेरे 25 अंक कैसे मिलेंगे, मैंने काम किया है। तो उन्होंने कहा कि ये जो 25 अंक मिले हैं, जो 18-19 वालों के लिए मिले हैं। आखिरकार कुछ ऐसे अतिथि शिक्षक भी हैं जिन्होंने 5 या 10 या 14 वर्ष लगातार काम किया है, उनके लिए क्यों नहीं? हालांकि जिनने 18-19 में काम नहीं किया है और लगातार वो काम करते चले आ रहे हैं, कई सालों से वो काम किया है, लेकिन उनको 25 अंक नहीं मिले हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक अनाउंसमेंट किया था महापंचायत में, आपको याद होगा, उसमें कहा था कि अब हर सत्र के अंक दिए जाएंगे। तो वो तो उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा जो पास थे अभ्यर्थी, जो नियमित भर्ती होती है, उसके लिए था। क्या वो अतिथि शिक्षक पर सूट लेवल हो सकता है? लेकिन अभी इसको नहीं कहा जा सकता। लेकिन दोस्तों, अब सत्रवार ही अंक मिलेंगे स्कोर कार्ड में, क्लियर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक सत्र के अंक तो मिलते नहीं है। वैसे कोर्ट का आदेश आ रहा है पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षक को प्राथमिकता मिले और मिल रही है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत होती है जब वो किसी स्कूल से बाहर हो जाते हैं तो वो दूसरे स्कूल में आवेदन करते हैं, तो वहां पर कोर्ट का आदेश भी खत्म कर दिया जाता है। तो अब अगर उनको अंक दिए जाएंगे सत्रवार, और अगर ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो यह भी हो सकता है कि इनके लिए डायरेक्ट समायोजन भी कर सकता था लोक शिक्षण संचालनालय, लेकिन यहाँ पर अंकों का मुझे तो कुछ ठीक ठाक नहीं लगा है मित्रों। ये अंक देना, महापंचायत के सीधे आदेश जारी क्यों नहीं होते? डायरेक्ट महापंचायत के आदेश जारी हो तो तमाम अतिथि शिक्षकों को फायदा हो। उसमें कहा था पूरे एक वर्ष का अनुबंध होगा और किसी को बीच में नहीं हटाया जाएगा, 50% आरक्षण, ये सारी चीजें अगर मिलती तो खुश होने की बात थी। बाकी 25 अंक हटा दिए हैं तो इससे क्या लाभ है? इससे कोई ज्यादा फायदा तो है नहीं मित्रों। अब फिर जोड़ दिए जाएंगे दो दो तीन तीन चार चार अंक एक सत्र के दे के, 20-25 अंक 5-6 साल के उसमें फिर जोड़ देंगे तो इससे क्या होगा? इससे आप नियमित तो होंगे नहीं, अतिथि ही बने रहेंगे। तो हमारी मांग तो यह है कि सबसे पहले तो हमारा पद लॉक हो जाए, जिससे कि कोई भी शिक्षक आए तो हमारा जो रोजगार है वो बचा रहे। इस तरह की अगर मांगे पूरी करे तो ठीक ठाक है। बाकी अंक हटाना जोड़ना इससे कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन एक अपडेट है। और ये परिवर्तन क्यों हुआ है आप देख लें दोस्तों। बाकी आप सभी कैसे होंगे? अभी कई भाई ज्वाइनिंग को लेकर परेशान थे और ज्वाइनिंग का मुद्दा सुलझा ही नहीं था। यहाँ पर अतिथि शिक्षकों के स्कोर कार्ड के अंक गोल हो चुके हैं। अब अंक जिनका स्कोर कार्ड अच्छा खासा था, अब वो कम हो गया है, तो उनके लिए बड़ी दिक्कत हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं, DPI से मांग की थी, और जब DPI से ऐसी मांग की जाती है तो अतिथि शिक्षकों का कहना है कि सर, इस तरह के आदेश निकालते हैं कि समायोजन हो तो हमको खुशखबरी हो, लेकिन ये तो कहीं ना कहीं ठीक नहीं हुआ। और अब क्या होगा तो आप एक अपडेट देख लें। अतिथि शिक्षक समन्वय समिति मध्य प्रदेश, श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन, ये ज्ञापन दिया था। और अतिथि शिक्षक स्कोर कार्ड में अनुभव के प्रत्येक सत्र के 10 अंक दर्ज करने बाबत महोदय, विषय अंतर्गत के संबंध में निवेदन है कि वर्तमान में उच्च पद प्रभार स्थानांतरण प्रक्रिया चल रही है, जिसकी वजह से प्रदेश के हजारों अतिथि शिक्षक प्रभावित होंगे। सीधी भर्ती, प्रमोशन और पूर्व ट्रांसफर से पहले ही हजारों अतिथि शिक्षक बाहर हो चुके। अभी भी इन नीतियों के कारण फिर से हजारों अतिथि शिक्षक बेरोजगार होंगे।
शिक्षा विभाग का स्पष्ट आदेश न होने से स्थानीय प्रधानाध्यापक प्राचार्य अनुभवी लोगों को रखने की बजाय भाई भतीजावाद करने से नए लोगों को भर्ती कर देते हैं। 2008 से 2022-23 के पैनल को ही पहले अवसर दिया जाए, इस कथन की नीतिगत पूर्ति हेतु अतिथि शिक्षक स्कोर कार्ड में से अनुभव के 25 अंक हटाकर प्रत्येक सत्र अनुभव के 10 अंक अधिकतम 100 अंक दर्ज किए जाएं। 25 अंक केवल 2018-19 में 72 दिन कार्य करने वालों को ही मिला है। और श्रीमान जी विनम्र निवेदन है कि विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को यावत रखने के बाद शेष रिक्त पदों पर सीधी भर्ती, प्रमोशन और ट्रांसफर इत्यादि से बाहर हुए अनुभवी अतिथि शिक्षक को वार्ता क्रम में वरिष्ठता अनुभव अतिथि शिक्षक को प्राथमिकता के अवसर देने की कृपा करें ताकि फॉलन आउट अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित हो सके। तो ये यहां पर मांग की थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, डायरेक्ट जो बाहर हुए हैं, जो हट रहे हैं और जो 30% जिनका रिजल्ट बना है उनके लिए क्या सॉल्यूशन है, उनके लिए कुछ आदेश जारी नहीं किए हैं, उनका भविष्य अंधकार में है, उनका भविष्य डूब चुका है। और अगर उस स्कूल में नहीं तो दूसरे स्कूल में मौका मिलना चाहिए उनको, मिडिल स्कूल में वर्ग 3 में डायरेक्ट हटाना, ब्लैक लिस्ट करना, ये तो ठीक नहीं है मित्रों। अब बाकी आप की राय है, आप लोग सभी जो कहेंगे वो ही होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अगर कमेंट्स करेंगे ये ठीक हुआ या नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताएं। इसको लेकर मैं लाइव स्ट्रीम भी करूँगा मित्रों, लेकिन मुझे तो यह लगता है कि जो महापंचायत की घोषणाओं के आदेश जारी हों तो ठीक रहेगा। बाकी अभी भी अतिशेष वाले आ रहे हैं मित्रों, उनकी पोर्टल चालू होने वाली है, वो लगातार अतिशेष वाले आएंगे तो फिर वहाँ पर अतिथि शिक्षक के लिए हटना पड़ेगा। और अब अतिथि शिक्षक से अगर एक बार हटे तो बनना मुश्किल हो जाएगा। एक क्लियर है, चाहे स्कोर कार्ड 190 हो या 200 हो या 210 हो, क्योंकि अब बहुत कंपटीशन मुझे दिखाई दे रहा है मित्रों। बाकी फिर आऊंगा मैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी भाइयों को जय श्री राम।